Hello everyone, hope you all are doing good. This is Kirti here again with new sweet plans, beautiful colorful plans. Aaj Delhi NCR ka weather bahut acha hai, to humne socha kuch alag kiya jaye. So propagation day tha aaj. I had this plant, the succulent cryptanthus. इसे अर्थ स्टार प्लांट भी कहा जाता है एंड कुछ ब्रोमेलियाड्स भी कहते हैं. इसकी बहुत इसका कलर बहुत प्यारा है. इफ़ यू कैन सी इट्स गॉट डार्क पिंक एंड बैक में ग्रीन. जब ये बेबी प्लांट होता है तब ग्रीन कलर का होता है. धीरे धीरे इसके कलर्स चेंज होते जाते हैं. आई हैड दिस वन प्लांट तो मैंने खुद प्रोपिगेट नहीं किया है. मेरे जो नर्सरी वाले भैया हैं वो ही उन्होंने ही किया था. आई हैड दीज पॉट्स विद मी तो मैंने उन्हें कहा आप प्लीज़ इसे प्रोपिगेट कर दीजिए. तो उन्होंने प्रोपगेट किया. सो एक प्लांट से मुझे 5 प्लांट्स मिल गए. कैन यू बिलीव इट, दिस इज़ ऑसम. अगर आप ऐसे लेने जाओ तो मिनिमम 150 रुपीज़ से लेके 300 रुपीज़ तक में ये प्लांट आता है, अवेलेबल होता है. कई जने 500 तक भी इसका कोट करते हैं ऑनलाइन अगर आप जाओ तो. लेकिन ये 150 तक में इजीली अवेलेबल हो सकता है. अगर 200 तक में ये इजीली अवेलेबल हो सकता है अगर आप थोड़ा सर्च करें तो. सो यू कैन सी अगर मैं ये 5 प्लांट्स लेने चाहती अगर 200 रुपीज़ में तो ये मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ता. बट हमने प्रोपगेशन किया ओके एंड दिस होल 5 प्लांट्स अगर आप देखो तो मुझे ओनली 200 का पड़ा. सो इट्स सो रीजनेबल ओके. तो ध्यान रहे अगर आपको न्यू प्लांट खरीदने का मन है तो आप देखो आपके पास ऑलरेडी कोई प्लांट है जिससे आप और डबल कर सकते हो. ठीक है, फिर ये बढ़ेंगे. फिर उसके बाद में अगर आपको बड़े गमले में लगाना है तो आप बड़े गमले में लगा सकते हो. एज यू नो इट्स अ सक्यूलेंट तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है. आप 2 दिन में एक बार डालो अगर गर्मी ज़्यादा है तो. अगर जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है तो वहाँ पर 2 डेज़ में तो चाहिए ही. जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट ज़्यादा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगुलर पानी नहीं डालना है. जब तक इसका सॉइल जो है ऊपर से सूख नहीं जाता आप पानी नहीं डालोगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा. ठीक है, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस वीडियो विद यू गाइज. आई वॉज रियली हैप्पी टूडे. सी द कलर, ओ माई गॉड, लुकिंग सो ब्यूटिफुल. मतलब आपको फ्लावर्स की ज़रूरत ही नहीं है, ये लीव्स ही इसके इतने प्यारे हैं कि यू फील लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स. एंड इट्स सो ईजी टू मेंटेन. दे आर हार्ड प्लांट्स, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. सी दिस, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि इसका वाइट एंड पिंक का कॉम्बिनेशन इज़ ब्यूटिफुल. बहुत आप छोटे से पॉट में मैंने लगवाया है जानबूझ के कि मैं कहीं पर भी रख सकूँ. ठीक है, ये ग्रीन के कॉम्बिनेशन में हो गया और मेरे पास ब्लैक, एक ब्लैक पॉट में तो था ये, तो 2 पॉट्स और थे मेरे पास तो मैंने इसे इसमें डाल दिया. यू नो इट्स लाइक नॉर्मल सॉइल आप यूज़ कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा खाद डाल दो. बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है सक्यूलेंट्स में, ऐसा कुछ नहीं है. बस ये है कि पानी जो होती है वाटर रिटेंशन ना हो, ये ध्यान रहे. ठीक है, वाटर रिटेंशन इज़ वेरी बैड फॉर दीज प्लांट्स. धीरे धीरे रूट्स जो होती है वो रॉट होती जाती है. सो अभी हम इसे आसपास में और भी प्लांट्स हैं जो मैंने आज कुछ कुछ किया था, बट वी विल टॉक अबाउट दिस प्लांट ओनली. आई एम इन लव विद दिस कलर एंड आई एम श्योर यू गाइज आर ऑल्सो लविंग दिस प्लांट. आप लोग प्लीज़ लेकर आएँ एंड इसे अपने घर में सजाएं. आप कहीं पर भी रख सकते हो.